भिंडी का सीजन चल रहा है और ऐसे में हम भिंडी की रोज़ ही एक ही रेसिपी बनाएंगे तो घर वालों के साथ साथ बच्चे भी भिंडी से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो चलिए नॉर्मल सी भिंडी को आज हम डिफरेंट और अलग तरीके से बनाएंगे जो जल्दी बन जाए और खाने में भी बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट लगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और आज हम बेसन वाली चटपटी मसालेदार भिंडी बनाएंगे जिसे एक बार चखने के बाद बच्चे या बड़े सभी आपसे मांग मांग के खाएंगे। चटपटा बेसन वाला मसाला भिंडी बनाने के लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम भिंडी लिया है। भिंडी का हम आगे और पीछे भाग को इस तरह नाइफ से कट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने सारे भिंडी को इस तरह कट कर लिया है और अब हम भिंडी को कट करने के लिए एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे। चॉपिंग बोर्ड पे एक एक भिंडी को लेकर इस तरह हम उसे बीच से कट लगा लेंगे। आप इसे दो या तीन कट लगा लें। इस आपकी भिंडी अगर बड़े साइज की है तो आप इसमें तीन या चार कट लगा सकते हैं और भिंडी छोटे साइज की है तो आप इसमें दो ही कट लगाएं, यही इनफ होगा। आप भिंडी को इस तरह हाथों में ले करके इसे कट लगा सकते हैं। आपको जो मेथड इजी लगे आप उस तरह से भिंडी को कट कर लें। ये देखिए, यहाँ मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में भिंडी को कट करके प्लेट में ले लिया है और अब हम भिंडी के ऊपर इस तरह फैलाते हुए बेसन डालेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है और इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। भिंडी में बेसन को अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे जिससे बेसन भिंडी में अच्छी तरह से मिल जाएगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने भिंडी और बेसन को अच्छे से हाथ से मिला लिया है और अब हम एक कढ़ाई लेंगे या पैन लेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहे तो अपने पसंद का कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा को क्रैक होने देंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और अब हम इसमें बेसन वाला भिंडी डालेंगे। हाथ से एक एक करते हुए कढ़ाई में बेसन वाला भिंडी डालेंगे। कढ़ाई में मैंने सारा भिंडी डाल दिया है और अब हम इसे चम्मच से अच्छी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए मिला लेंगे या भिंडी को इस तरह चलाते हुए भूंज लेंगे। भिंडी को हाई फ्लेम पे चलाते हुए 1 मिनट हो गया है और अब हम इसमें स्वाद अनुसार या 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालकर भिंडी को चलाते हुए 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मिला लेंगे। भिंडी को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है और भिंडी हमारी सॉफ्ट हो गई है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, तीखा के लिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मसाले डालकर भिंडी को हम एक बार फिर से मिला लेंगे। भिंडी को चलाते हुए मसालों को सारे भिंडी में अच्छी तरह से मिला लेंगे जिससे मसाले भिंडी में मिल जाए। और अब हम इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमचूर पाउडर डालकर हम इसे भिंडी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। मीडियम फ्लेम पे भिंडी को मसालों के साथ भूनते हुए 3 मिनट हो गया है और अब हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। भिंडी को ढके हुए 3 मिनट हो गया, हम इसे चेक कर लेंगे और ये देखिए, भिंडी को हम एक बार फिर से मिला लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, भिंडी हमारी अच्छी तरह से गल गई है और ये लगभग पक भी गई है, लेकिन हम इसे 1 मिनट के लिए और चलाते हुए पका लेंगे। और ये देखिए, इसे इस तरह से दबाते हुए चेक कर लेंगे कि भिंडी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हुई है कि नहीं।
और ये देखिए भिंडी हमारी अच्छे से पक गई है। हम इसे मिला लेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चलिए भिंडी को हम अब प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप इसे चावल, चपाती, किसी के भी साथ खाइए, खाने में बहुत ही चटपटा और मसालेदार होता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो